पहले विकास ना होना देश का, देश बेच के विकास होएगा, ये बताओ ना हमें, देश बेच के, देश की फसल बेच के, नस्ल बेच के देश का विकास करोगे तुम, देश को गुलाम बना के विकास करोगे तुम, देश का विकास कर रहे हो, पूंजीपति का विकास कर रहे हो, बताओ ना हमें। पीछे जाओ फोन पे पूछने, जब हमारे किसान प्रतिनिधि मंडलों का ये बात वार्ता में जवाब नहीं दे पाते तो पीछे जाकर बात करें। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जितनी भी डिबेट हो, जितनी भी मीटिंग हो रही है, ये पूरी देश की जनता को क्यों नहीं दिखाते सरकार वाले, ये किसान बैठे हैं, ये सरकार बैठी है, लाइव चलाओ ना, इस देश को भी पता लगे ये सरकार गलत है किसान गलत है, इस देश की जनता भी जाने ये किसान गलत है सरकार गलत है, ये आमने सामने क्यों नहीं दिखाते, 130 करोड़ भारतवासियों को क्यों नहीं दिखाते ये लोग, क्यों, ये चोर है, इनने चोरी करी है, गलती करी है, अपनी गलती को दिखाना नहीं चाहते देश के सामने लोग। इस देश में जो राजा बनता है वो रानी के पेट से नहीं बनता, किसान और मजदूर की वोट से बनता है। हथौड़ा की आखिरी चोट तक जब तक दीवार में कील पार नहीं होएगी उस चोट का इंतजार करा जाता है, उससे पहले 100 चोट लगती है, 99 चोट लगती है, उस चोट का जब तक इंतजार करा जाता है जब तक वो टूटती नहीं, उसमें पार नहीं होती है। ओ हमारे पास सारी चोटें अभी तो नई तो वार्ता हुई है, चोट अलग लग रही है, सही जगह लग कब रही है, जिस पर आप बात करना चाह रहे हैं इस पर तो बात होती नहीं है, क्या फायदा सही लग। अरे वो तो सरकार बता ना सही, वहाँ पे जो है तुम्हारे जो कुछ मीडिया के कर्मचारी हैं, देश का चौथा स्तंभ होता है मीडिया, आप लोग सही काम कर रहे हो, किसानों के बीच में आ रहे हो, अगर आप भी सही काम करोगे, अपनी ईमानदारी से काम करोगे, देश का चौथा स्तंभ अगर अपना सही काम करेगा तो आपसे पहले समाधान निकल जाता, देश की आधी जनता को कुछ बिकाऊ मीडिया, जो गोदी मीडिया है, जो बड़े बड़े एंकर बैठे हैं, बड़े बड़े कोठियों में, बड़े बड़े स्टूडियो में, अब हमारा किसान का पैदा उगाए हुआ अन्न खाते हैं, उनके बच्चे हमारा अन्न खाते हैं, उन्हें शर्म नहीं आती बिल्कुल भी, वो तरफदारी करते हैं सरकार की। कौन कह रहा खुश हो रहा है भाई, कौन कह रहा खुश हो रहा है भाई, क्यों क्यों भाई, देश में आज हालात दो तरीके के चल रहे हैं, किसान आज देश के लिए लड़ रहा है, अपनी फसल के लिए लड़ रहा है, आड़ी वाड़ी नस्लों के लिए लड़ रहा है किसान, आज जो देश का जो भाग्य ना वो गुलामी की तरफ जा रहा है, इसलिए किसान बैठा भाई, हम देश को गुलाम नहीं होने देंगे। सरकार जो है, मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ, जब से 6 साल में सरकार बनी है, अभी ये जिन्होंने इतने कानून बनाए हैं, जैसे हमारे ऊपर किसानों के ऊपर इन्होंने कानून लाए हैं, हमने इसको समझा पढ़ा, हमें लगा ये गलत है, इन्होंने जो देशभक्ति का चोला पूरे देश से पहना रखा ना, हम देशभक्त हैं। मैं आपके माध्यम से पूछना चाह रहा हूँ, BPCL भारतीय पेट्रोलियम देश की दूसरे नंबर की कंपनी है जो मुनाफा देती है भारत सरकार को, उसकी 4 बार बोली की डेट बढ़ा दी ना बढ़ा दी, पूछ बताओ तुम मुझे क्यों बेचना चाहते हो, साल का 8,000 करोड़ का मुनाफा देती है, क्यों बेच रहे हो भाई, जब प्रधानमंत्री बड़े बड़े वादे करता है, मंच से बोलता है मैं देशभक्त हूँ, देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा, आज कैसे बेच रहे हो देश बताओ, भारत पेट्रोलियम जब पेट्रोलियम कंपनी ये तुम्हारी बिजली कंपनी जो बिजली है ये प्राइवेट के पास चली जाएंगी तो वो अपने मनमानी वैसा वसूल करेंगे नहीं करेंगे बताओ, अरे भाई कुछ दिन में तो देश का नाश हो जाएगा भाई, ये देश का नाश हो जाएगा ना, जो कुछ दिन के लिए मालिक बनेगा अपने हिसाब से करेगा ना, फिर वो अपने हिसाब से रेट तय करेगा। अभी आप उठाकर देख लो, इन्होंने जो है अगर आज कांग्रेस टाइम में बात करेंगे बीजेपी वाले सारे भाई, कांग्रेस में पेट्रोल महंगा होगा, डीजल महंगा होगा, गैस महंगी होगी, जनता जो है त्राही त्राही कर रही है, उस समय 105 रुपये बैरल कच्चा तेल आ रहा है देश में और पेट्रोल की कीमत 71 रुपये आई, इनके समय में 43 रुपये बैरल कच्चा तेल आया, पेट्रोल की कीमत क्या आज 13 भी आया, 13 रुपये तक भी आया, आज पेट्रोल क्या खरीद रहा देश, आज इनके निकालो डिबेट पिछले भाषण किए, जो बड़े बड़े छाती चौक के देशभक्ति की बात कर रहे, जो पैसा इकट्ठा होगा उससे विकास होता है ना देश का भाई, विकास पहले विकास ना हो रहा देश का, देश बेच के विकास होएगा, ये बताओ ना हमें, देश बेच के, देश की फसल बेच के, नस्ल बेच के देश का विकास करोगे तुम, देश को गुलाम बना के विकास करोगे तुम, देश का विकास कर रहे हो, पूंजीपति का विकास कर रहे हो, बताओ ना हमें, सरकार कह रही है हर सेक्टर डूब रहा है, बस एक यही सेक्टर बचा हुआ जिससे थोड़ा बहुत रेवेन्यू, यार एक बार बताओ अभी अभी कानून बनाया इन्होंने RTO विभाग में, परिवहन विभाग में इन्होंने कानून बनाया, सुन लो गौर सु, इनकी नीति तो देखो, जो पहले पुलिस वाला घूस, जो 100 रुपए के चलान 1,000 रुपए का कर दिए, 10-10 हजार के चलान कर दिए,
क्यों कर दिया भाई तुमने? अरे व्यवस्था, तुम कह रहे हो व्यवस्था अच्छी होएगी, व्यवस्था नहीं है, ये आम जनता का खून चूसने का तरीका तुम्हारा। आपके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि इनका विरोध क्यों नहीं करते कि भाई हमारी जनता मर रही है? भैया वे गुलाम बन गए, गुलाम, गुलामी का चोला पहन रखा उन्होंने, हिम्मत नहीं बोलने की। अरे हम कर रहे ना विरोध, हम कर रहे ना विरोध, विरोध बैठे ना, हमारी सरकार से लड़ाई नहीं है, सरकार की नीतियों के खिलाफ लड़ाई है, इनके दोगलेपन से लड़ाई है। हमें पता ही नहीं था नीति ऐसी लेंगे, इन्होंने हमें बताया कुछ करा कुछ, हमारी सरकार के लिए लड़ाई नहीं है, इनकी नीतियों पे, इनके जो गलत कानून है उन पे लड़ाई है हमारी, हमारे देश के भाग्य के लिए लड़ाई है, देश की फसलों के लिए लड़ाई है, और तो और देश की नस्लों के लिए लड़ाई है आज हमारी। प्रतिनिधियों का भी इलाज कर देंगे आपके। लेकिन सुमित जी आपने ट्रैक्टर रैली भी कर ली, 9 दौर की वार्ता भी हो गई, लगातार आंदोलन का दबाव भी बन रहा है, लेकिन सरकार तो आपको कोर्ट की तरफ ले जा रही है इशारों में, कृषि मंत्री ने कहा है इस बात को? भाई कृषि मंत्री जो है कोर्ट ले जाओ, कोर्ट भी उनका ही है, कोर्ट भी इनका, मीडिया भी इनकी। आज ये इतने पावर में बैठे हैं क्यों? इन्हें सत्ता का नशा है, इनका एक भी सारे चारों कोने ना क्या बोले स्तंभ वो मजबूत बैठे हैं, ये घमंड में सारे सांसद हमारे, हमारा कुछ नहीं हो पाएगा, ये याद रखे, अभी तो शुरुआत है, अभी तो नहीं लड़ाई, आगे बहुत लड़ाई है, ये लोग याद रखे, अपना दिमाग और अपनी आत्मा झंझोड़ के ये सोचे, ये लड़ाई 2024 तक चलेगी, तो चुनाव नहीं आएगा। भाई किसान थकने वाला नहीं है, आप लोग पहले दिन सुहारे नुहारे बताओ, पहले दिन कितनी भीड़ यहाँ, हजारों में ही, आज कितनी भीड़ है, लाखों में, ये भीड़ करोड़ों में भी जाएगी अगर ये देश का प्रधानमंत्री, ये देश की सरकार जो नीति नहीं बदलेगी, ये इनका इलाज हो जाएगा अच्छे से, इनका नामो निशान कानून लिखा जा रहा है, इतिहास लिखा जा रहा है देश में, और इतिहास के पन्नों में इनका नाम जैसल की गिनती में लिखा जाएगा, ये ठग है, वे जो नकाब पहन के झूठा देशभक्ति का इस देश से बेखने के लिए आगे पूरी जून जुलाई लोग अंडा छोड़ रहे हैं, थकने वाले। लेकिन सर आप जब वार्ता में वहां जाते हैं, आपको पता है 8 महीने का अंडा छोड़ रहे हैं, थकने की 4 दिन का आंदोलन करने भाई, ये आपका सवाल जो है आप कह रहे कैसे कह रहे, आपको पता होता नहीं मानेगी, अरे हम भगवान थोड़ी, हमें क्या पता भाई, कम मान जाओ भाई, हमें थोड़ी मिलती है, हमें ये थोड़ी पता है भाई, हम कस कहते ना मानेगा, हमारे तो हमें पता है मानेंगे, और हम पूरा विश्वास है सरकार हमारी सारी शर्त मानेगी, हम पूरे विश्वास में बैठे, और ये तो अपनी गिरबान में झोंक रहे, ये तो अपनी आत्मा ने झंझोड़ रहे, हमने गलत कर क्यों दिया है, अब यार सही कैसे करे, बस जिंदाबाद। अभी तो किसान ही आया, अभी युवा भी आएगा जो बेरोजगार है, जो किसान के बेटे हैं, जो नौकरी की तलाश में, वो लोग भी आएंगे अभी रोड पे, यही कोचिंग चलेगी। बोलने दो, चलिए सर बोलिए। हम तो ये कह रहे जो आज देश में अपने आप को मालिक माने बैठे हैं, असल में वो चौकीदार है, खुद भी कहते हैं हम चौकीदार हैं, वो परमानेंट मालिक नहीं है, जैसे आज वो कुछ दिन के लिए सरकार में बैठ कर गलत कर रहे हैं, ऐसे अभी आपका एक सवाल है, वो कुछ दिन के लिए कंपनी बेच रहे हैं, वो कुछ दिन में तो कर देंगे सब कुछ, ऐसे ऐसे नियम कानून ले आएंगे, देश की जनता का खून चूस रहे हैं। अरे एक एक कानून आरटीओ परिवहन वाले लेकर आए, 10,000 का चलान कर दिया, गरीब आदमी की मोटरसाइकिल की वैल्यू 10,000 नहीं है, तुम वहां पे दुनिया भर के पैसा उगाने के, गरीब जनता का खून चूसने के लिए बना रहे कानून, सहूलियत देनी चाहिए थी जनता को, कानून बनाते अगर कोई वाहन गलत है, कोई गलत चलाता है, वो जब तक उसमें पूरी तरीके से सही नहीं होएगा, उसे सीज करा जाएगा वाहन को, वो बंद रहेगा, अगली बार वो अपना बुरी चीज करके जब छुटेगा, पैसे बढ़ाने से क्या होगा, ये जनता का खून चूसना है। 10,000 की देने की जगह पुलिस वाला कहेगा 5,000 मुझे दे देना, 10 क्यों देवे, वो पैसा पुलिस की जेब में जाएगा, सरकार के खाते में भी नहीं जाएगा, और गरीब आदमी का शोषण होगा इसमें। अरे इन्होंने सुनो, आपको नहीं लग रहा सरकार ने आपका आंदोलन ठंडे बस्ते में डाल दिया भाई? ये आपका हिसाब से लग रहा, हमें तो लग रहा सरकार के नेता ने नींद नहीं आ रही भाई, सरकार में कोई नेता ही ना है, सरकार में कोई नेता ही ना है, ये बात करते हैं मीटिंग में, अभी हमें बातचीत चल रही है हमारी, तो ये पीछे जाए फोन पे पूछने, जब हमारे किसान प्रतिनिधि मंडलों का ये बात वार्ता में जवाब नहीं दे पाते, तो ये पीछे जाकर बात करें। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जितनी भी डिबेट हो, जितनी भी मीटिंग हो रही है, ये पूरी देश की जनता को क्यों नहीं दिखाते सरकार वाले, ये किसान बैठे हैं, ये सरकार बैठी है, लाइव चलाओ ना, इस देश को भी पता लगे ये सरकार गलत है, किसान गलत है, इस देश की जनता भी जाने ये किसान गलत है, सरकार गलत है, ये आमने सामने क्यों नहीं दिखाते, 130 करोड़ भारतवासियों को क्यों नहीं दिखाते ये लोग, क्यों, ये चोर है, इनने चोरी करी है, गलती करी है, अपनी गलती को दिखाना नहीं चाहते देश के सामने लोग। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। किससे बात करते हैं फोन पर? कौन?
अडानी अंबानी से करते अबे हमें कहा बताए इनके आ कहाँ है, इनके आ कहाँ है जिनसे बात करते होंगे ये पापा से करे जो है। और इस देश में किसान की फसल का एमएसपी नहीं मिल रहा, किसान एमएसपी का गारंटी कानून मांग रहा है भाई मेरी फसल इससे नीचे कोई ना खरीदे। भैया सुन लो, इससे नीचे कोई फसल ना खरीदे। और इन लोगों का शर्म आनी चाहिए, जो कंपनी कुछ दिनों में किसान की फसल होती है 6 महीने में तैयार, और कुछ दिन में जो आटा पीसने वाली कंपनी है वो कितना प्रोसेसर आटा पीसने का भैया, एक दिन में चक्की चलाओ कितना आटा पीस लो, उस गेहूं को पैदा करने में 6 महीने लगे। वो कंपनी अपना रेट तय कर सकती है, अपना एमआरपी तय कर सकती है, पर किसान को अधिकार नहीं अपना एमएसपी गारंटी लेने का भी। क्यों भाई, किसान है ना गरीब है। अरे लोगों ने किसान के मान सम्मान के साथ में, किसान की आत्मा के साथ में, इस देश की आत्मा के साथ में खिलवाड़ करा। ये भारत माता, ये कसम खाते हैं ना गंगा मैया, और भारत माता हम भी कसम खा कर कह रहे हैं गंगा मैया की हालत देख लो जाकर कितनी सफाई, बताओ ना हमें कई कई हजार के करोड़ों के बजट बनाए इनके, गंगा पे यमुना पे ऐसे ऐसे गंदे नाले इन्होंने पवित्र नदियों में डाल दिए। उठाकर देखो ना, जहाँ सीवरों में गंदे नाले का पानी जाता है वो नाले इन्होंने हमारी माताओं में बहा दिए। क्यों बहा दिए, तुम्हारी आत्मा गलत है, तुम्हारे मन साफ नहीं है। इस धरती माँ की कसम खाकर कह रहे हैं, इस भारत माता की कसम खाकर कह रहे हैं, इस आंदोलन का इतिहास लिखा जा रहा है, और इतिहास ऐसा लिखा जाएगा ये लोग पढ़ नहीं पाएंगे इतिहास कैसे लिखा किसान ने। लेकिन सर इस आंदोलन में उद्योगपतियों को घसीटा जा रहा है, उनका क्या कसूर है भैया? कानून तो उन्होंने बनाया ना, कानून तो ये तो भैया देखो 1955 में कानून बना देश में, कोई भी जमाखोरी नहीं करेगा, एक लिमिट तक रहेगा, उससे ज्यादा फसल नहीं रोकेगा। और 2020 से पहले सुनो तो सही, इन्होंने वो व्यवस्था पहले बना ली जो कानून के खिलाफ थी। इतनी बड़ी मंडी इन्होंने कैसे बना ली जिसमें देश में कानून ही नहीं था भाई, इन्हें पता है क्योंकि कहीं ना कहीं कानून आएंगे, इसलिए इन्होंने पहले व्यवस्था बना ली अपनी, इसलिए इनका विरोध हो रहा है। क्यों कानून इन लोगों ने बनवाए भाई, देश में कानून नहीं है तो तुम कानून खिलाफ कैसे जाओगे? वो कह रहे हमें मत घसीटिए, हम तो सरकार से खरीदते हैं। ये भी दे दिया ना कि हम किसान से खरीदते ही नहीं है, हम तो एफसीआई से खरीदते हैं। बता देंगे ना भाई किससे खरीद रहे, तो क्यों क्यों करवा रहे हो ना फिर, क्यों मंडियों को खत्म करवाना चाह रहे हो, क्यों कह रहे हो कि कानून बनवा दे ना, कोई कहीं भी खरीदे कहीं भी बेचे। मैं तो देश की जनता से कहना चाह रहा हूँ, जो लोग इन ढोंगियों का, ये जो ढोंगी जो बैठे ठग बैठे देश में, जो झूठी झूठी बात करते, जो देशभक्ति का झूठा नारा लगा रहे, मैं इनसे कह देना चाहता हूँ ये जो कानून बने ना, कहीं बेचो कहीं ले जाओ फसल है, जो मर्जी बेचो किसी रेट में खरीदो, इस देश का ये हाल हो जाएगा। यहाँ की फसल उठाकर ये हमारे देश में नहीं बेचेंगे, इंडिया का आदमी, भारत का आदमी विदेशों में बहुत रहता है, यहाँ से 20 रुपये किलो खरीदेंगे, 10 रुपये किलो खरीदेंगे, बाहर जाकर 200 बेचेंगे। और हमारे यहाँ का मजदूर जो 300 रुपये दहाड़ी करता है, 200 रुपये दहाड़ी करता है, गेहूँ की कीमत हो जाएगी 200 रुपया किलो, 100 रुपया किलो, कहाँ से खरीदेगा गरीब आदमी बताओ, कैसे अपने बच्चों को पालेगा? इस देश का संविधान सबसे सर्वोपरि है, आपके माध्यम से फिर बता देना चाहता हूँ, इस देश में जो राजा बनता है वो रानी के पेट से नहीं बनता, किसान और मजदूर की वोट से बनता है। ये लोग याद रखें, जैसे गद्दी बैठा है ऐसे उतार दिए जाएंगे।